ट्रैवल के बाद और अब भाई ने गाड़ी रोकी आके चाय पीने के लिए और ये अंकल जी चाय बना रहे हैं। तो ठाकुर द्वारा आ चुके हैं गाइस, सुबह सुबह मॉर्निंग में। मुरादाबाद से लगभग 40 किलोमीटर आ चुके हैं, ठाकुर द्वारा आ चुके हैं और अब यहाँ से काशीपुर और काशीपुर से सीधा रामनगर और गिरिजा देवी टेम्पल। भाई हुलिया देख रहा हूँ बालों का, क्या हो गया है हेलमेट की वजह से? अभी उतारा हेलमेट एक मिनट पहले। गिरिजा पहुँच के बाद अभी पापा भाई बैठे हैं नीचे चाय के इंतजार में। और भाई चाय पी रहे हैं, चाय में बहुत दम है वाकई में। ये मेरी रखी है और सौरभ भाई ऑलरेडी अल्टीमेटम तैयार चाय पीने में। गाइस चाय पी ली है, सौरभ भाई ने करी गाड़ी स्टार्ट और हम सौरभ भाई निकल रहे हैं यहाँ। उत्तराखंड लग गया भी है तो तेरे भाई ने हेलमेट पहले काशीपुर रोड से रामनगर रोड पर निकल चुके हैं और लगभग यहाँ से 30 मिनट में रामनगर पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद सीधा गिरिजा देवी मंदिर। रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा टफ रोड है, खराब हो रहा है रोड की स्थिति, इसलिए सौरभ भाई को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब मिलते हैं फिर रामनगर चल के आप लोगों से। चुके हैं और यहाँ से सीधा गिरिजा देवी टेम्पल। गाइस रामनगर रोड से गिरिजा मंदिर के थोड़े बहुत आ चुके हैं। ये लोहे का पुल जो गिरिजा मंदिर जाने से पहले पड़ता है, इसे पार करके थोड़ा सा चल के तुरंत गिरिजा देवी टेम मंदिर का जो गेट है जो रोड अंदर गया है वो आ जाएगा। गाइस यह है गिरिजा देवी मंदिर का गेट और हम गेट के अंदर घुस चुके हैं और बहुत ज़्यादा सुनसान है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है।
बाकी आगे मंदिर के तरफ जाके देखते हैं कुछ लोग हैं या नहीं हैं। और गाइस आपदा के बाद बाढ़ के बाद मंदिर पर पहली बार हम लोग आए हैं, आगे जाके देखते हैं क्या है, लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे कि मंदिर के पास जा पाएँ, आपको दिखा पाएँ, क्योंकि काफ़ी बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, मुश्किल है शायद मंदिर ना पहुंच पाएँ, लेकिन हाँ दूर से आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जहाँ प्रसाद की दुकान लगती है वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल वहाँ कुछ नहीं होगा, पानी होगा, क्योंकि जहाँ नीचे पुल से उतर के दुकानें लगती थी वो सब जगह पहले आप वीडियो में देख चुके हो, पानी पानी था। जो लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं केवल लोकल लोग हैं, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, सब लोकल हैं, यहाँ पर लोकल लोग हैं, वही लोग हैं यहाँ पे, और वही लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि हर जगह खतरा खतरा है, इसलिए सिर्फ लोकल लोकल लोग ही यहाँ आ जा रहे हैं। दोस्तों जहाँ पहले हज़ारों की भीड़ होती थी, आज वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये माता रानी की इच्छा है जो हो रहा है, माता रानी की इच्छा से हो रहा है। और देखिए दुकानें थी यहाँ पे, बच्चों के खिलौने वगैरह बिकते थे, प्रसाद वगैरह बिकता था, लेकिन अब पूरी तरीके से सब बंद पड़ी है, ब्लॉक पड़ा है, बिल्कुल सब सन्नाटा है। कुछ लोग हैं जो दुकानों पर अपने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब चारों तरफ सन्नाटा है, बिल्कुल ही दुकानें बंद हैं। गाइस आपदा के बाद पहली बार हम आए हैं यहाँ पर, और बिल्कुल सूनसान, कोई भी नहीं है, और सामने पुल के रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, उस पर खतरे का निशान है, यानी कि अभी उधर जाना मना है बिल्कुल ही। पानी तो बहुत हो गया, देखिए पानी बहुत हो गया, चला गया। आपदा के बाद पहली बार गिरजा देवी टेम्पल हम लोग आए, आप देख रहे हैं गिरजा देवी टेम्पल, और इतनी परेशानियों के बाद भी ये मंदिर एकदम सही होकर एकदम अपनी जगह खड़ा है। थोड़ा बहुत डैमेज जरूर हुआ है नीचे पहाड़ पर, लेकिन बिल्कुल सही। गाइस सौरभ भाई, हेलो गाइस, गाइस काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार गिरजा देवी टेम्पल में हो रहे। आखिरकार गिरजा देवी टेम्पल पर बड़ी मुश्किलों के बाद माता रानी के दर पर आना हुआ है, लेकिन कुछ पता नहीं मंदिर कब तक खुलेगा। मैंने अभी यहाँ एक दो लोगों से बात करी थी, वो कराएंगे, अभी ऊपर से कोई मंदिर खुलने का आदेश नहीं है। गाइस आप लोग भी अभी नहीं आए क्योंकि यहाँ पर सब बंद है, कुछ फ़ायदा नहीं है आने से, कोई भी नहीं, क्योंकि खून खाना आप देख सकते हो। और गाइस वो थोड़ा सा तो ये मंदिर का गेट है पूरी तरीके से अभी बंद है, अभी कोई आदेश नहीं है कब तक आना है नहीं आना। थोड़ा सा मंदिर के नीचे से, पहाड़ के नीचे बैरिकेडिंग हो रही थी पत्थरों से, वो थोड़ी डैमेज हुई है, और पूरी ही ग्रिल लग रही थी लाइन में लगने के लिए, पूरी ग्रिल जा चुकी है यहाँ से, गायब हो चुकी है पूरी तरीके से, ग्रिल गायब हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। थोड़ा सा मंदिर के नीचे का हिस्सा भी, पहाड़ के नीचे का ये बैरिकेडिंग भी डैमेज हुई है। चलते हुए दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, और दुआ करेंगे मंदिर जल्दी से जल्द खुले और हम आप लोगों के लिए फिर एक बढ़िया सा व्लॉग लाएं। जाएंगे।
गाइस यहाँ थोड़ा मंदिर पे आराम करा, स्टे करा। सौरभ भाई ने प्रसाद प्रसाद चढ़ाया। ओके बाय गाइस, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ, और अगला ब्लॉग आपको नैनीताल का दिखाएंगे ज़रूर। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर आपको ऐसे नए नए ब्लॉग मिलते रहेंगे। जय माता दी।